Hey guys, welcome back to another video. तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मशरूम टिक्का, बट और ये वीडियो मैं आधे में चालू कर रहा हूँ. तो आधे में चालू करने के बाद मशरूम वगैरह बॉईल कर लिया है, बट ध्यान अभी ये आ रहा है कि अदरक लाया नहीं किया है, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा अदरक लाने. चलिए लेके आते हैं. सी अभी हम लोग जो मशरूम लेंगे इसमें इसका जो डंठल है उसको एकदम नीचे बेस से जरा सा काट लेंगे. सी हम लोग वेस्टेज कुछ नहीं करते हैं, तो ये जो स्टेम्स जो हम लोग मतलब कि डंठल जो बोल सकते हैं मशरूम्स के काट के निकाल रहे हैं उसका दूसरा एक शॉर्ट यूसेज बता दूंगा, और वो रेसिपी भी बहुत तुरंत बनने वाली चीज़ है और काफ़ी अच्छी लगेगी. तो उसके साथ एड ऑन में अदर ब्लॉक्स में मैं उसको डाल दूंगा. तो अभी बाकी का प्रोसेस जो है इसको आगे चालू करते हैं, बाकी देखा जाएगा. बेसिकली यहाँ पे हम लोग मशरूम्स जो अभी 70% के अराउंड बॉईल करने वाले हैं. तो अभी छोटा सा धोखा हो चुका है. एक्चुअली ये धोखा का मेरे को अंदाज़ा था, बट ये धोखा और बड़ा धोखा हो गया है. लेट मी शो यू ये धोखा क्या हो गया मेरे साथ. तो धोखा जो एक्चुअली हुआ है ये हुआ है, देख रहे हैं मशरूम के साइजेस काफ़ी छोटे हो चुके हैं. तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा अगर आप जब मशरूम ला रहे हैं. अगर मीडियम साइज़ के मशरूम्स हैं तो बढ़िया बात है, वरना जो थोड़ा शॉर्ट टाइप के थे वो तो भाई चेरी टमाटो हो चुके हैं या फिर उससे भी छोटे, क्या बोलूँ. सो लेट्स कंटिन्यू. सी आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये वीडियो ऐसा ना बने. अब थोड़ा सा मैसअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक एक व्लॉग और एक रेसिपी वीडियो साथ थोड़ा सा आता रहे. थोड़ा एक टॉकेटिव सेशन हो तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगेगा. तो आगे की अगर रेसिपीज वीडियो आती हैं तो वो कुछ इसी प्रकार से ही आएंगी. सी अगर आपको कसूरी मेथी का पाउडर नहीं मिल रहा है तो एक्चुअली उसको करना क्या है ना कि जो आपको उसको लाइटली टोस्ट कर लेना है तवे पे, उसके बाद वो क्रश करने लायक हो जाएगा. सी मशरूम का साइज रिड्यूस होने का बेसिक रीज़न यही था ना कि मशरूम में बहुत अमाउंट में वाटर होता है, तो जो वाटर रिड्यूस हुआ है उसके चलते इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल हो गया है. अच्छा एक बात और, अगर आपका दही खट्टा है तो आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है. मेरा दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, वो मार्केट वाला दही था, इसलिए उसमें मुझे नींबू डालना पड़ा. तो अभी मशरूम को मैरिनेट करके हम लोग कम से कम उसको 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. 20 minutes later. So, मैरिनेशन हमारा सेट हो चुका है 20 मिनट के बाद. तो अब हम लोग इसको अपने स्क्यूअर्स पे लगा लेंगे. वैसे मेरा स्क्यूअर स्क्वायर शेप वाला है तो उसमें मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी मैं लगाऊंगा स्क्यूअर्स पे वो रोटेट नहीं करेगा. हालांकि खेल तभी तक का है जब तक मैरिनेशन सूख नहीं जाता है. एक बार मैरिनेशन वहाँ पे स्टिक कर गया उसके बाद तो वो वैसे भी रोटेट नहीं करेगा. ओके, जो एडिशनल मैरिनेशन बचा हुआ है वो मशरूम के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए. सो फाइनली पूरा तंदूर लगाने के बाद अब ये देखिए, ये आपने मेरे इंस्टा स्टोरी पे कभी एक बार देखा हो या पोस्ट वगैरह पे, तो ये हैंडमेड कोयला है, घर पे मैंने बनाया है. और ये बनाते कैसे हैं अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बना दूंगा.
बाकी इसी को आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने मशरूम टिक्का बनाने में। तो अभी फ़िलहाल मैंने आग तो थोड़ी सी जला ली है और बाकी सारे कोल जो है वो डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि ये फॉर्म कर ले, अपने आप में जल जाए। उसके बाद हम लोग अपना जो टिक्का लाए हैं वो डाल देंगे इस पर। तो इसमें हम भी हम लोग प्लेस कर लेंगे यहाँ पे सबको। ओ बाय द वे, हैप्पी दिवाली। ये वीडियो मैं दिवाली के दिन बना रहा हूँ, वैसे आपको ये दिवाली के बाद मिलेगी, सॉरी फॉर द डिले। या तो ये ऑल सेट है। अगर मैं इसका फ्लैश बंद करूँ तो आप अंगार भी देख पाएंगे। रुको दिखाता हूँ, दिख रहे हैं लाल लाल अंगार है। ये अभी जितने भी कोल है ये बाकी सारे भी पकड़ लेंगे और ये पूरा भट्टी फिर लाल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए ये टिक्के का स्टिक तो मैंने तैयार कर लिया है, बट होगा क्या कि जैसे मैरिनेशन मेरा बच गया था, ठीक है, तो मैरिनेशन के साथ मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया है। वो क्या किया है वो बताता हूँ। जैसे पोटैटो के साथ भी हम लोग उसका थोड़ा सा सेम काम करने वाले हैं। एक्चुअली जैसे होता है कि पोटैटो को 70% मैंने बॉईल कर लिया, बेबी साइज पोटैटो है छोटे छोटे, और जो बचे हुए मैरिनेशन था उसके साथ मैंने मिक्स करके उसको भी इसमें प्रिपेयर करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा लगेगा, वो भी तंदूरी आलू कह सकते हैं। तो लेट्स मेक और फिर उसका टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगता है। मोस्ट प्रोबेबली अच्छा लगना चाहिए। ओके, तो कोल यहाँ पे सेट हो चुका है, सारा कोयला जल चुका है। तो अब हम लोग अपना मशरूम का टिक्का को यहाँ पे लगा देते हैं। ओह बाय द वे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़रूर कि अगर बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है ना तो उस पर आप अपने सीक मत लगाइएगा, क्योंकि जो आपका सीक में जो भी लगा हुआ होगा वो थोड़ा थोड़ा उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो इस आलू को भी अब मैरिनेट करके स्क्यूअर पे लगा लेंगे। देखिए रंग कितना सुंदर आ रहा है। लेट इट बी। सी दोनों साइड से अब मैरिनेशन सूख गया है, तो इस पे अब हम लोग बटर अप्लाई कर लेंगे। तो फाइनली सारा कुछ बन गया, और टिपिकली बोलूँ तो आलू वाला भी प्रॉपरली इसका मैरिनेशन जो इसके ऊपर क्या था आप देख सकते हैं कितना ग्रिल मास कितना अच्छा है इसमें, जो ऊपर से क्रस्ट बना है। और मशरूम्स भी उसी तरीके से काफ़ी अच्छे जूसी बने हैं। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। आपने चिकन का थाई खाया होगा, थाई या लेग का पीस जो होता है वो जिस तरीके से जैसे उसका टेक्सचर होता है ना, एग्जैक्टली वही टेक्सचर मिल रहा है। और सभी तरीके से देख सकते हैं आप, मैरिनेशन सभी साइड से देखिए कुक हो चुका है प्रॉपरली, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। एक बार को अगर आंख बंद करके खिलाया जाए तो सामने वाला पूछेगा कि हाँ चिकन है, मतलब एक बार को तो डाउट करेगा कि चिकन ही था या नहीं था।
और वेजिटेरियन लोग सतर्क रहें, ऐसा आपके साथ प्रैंक हो सकता है। और आलू की बात करें तो आलू भी कमाल लग रहा है, बस एक बात है कि आलू ज़्यादा, अगर आप आलू के साथ भी करना चाह रहे हैं तो पोटैटो ज़्यादा बड़ा ना लें, क्योंकि अगर आप बड़ा लेते हैं तो दिक्कत उसके साथ ये हो जाएगी ना कि साइड कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैरिनेशन का फ्लेवर आएगा, बट पोटैटोज का जो सेंटर पोर्शन होगा वो थोड़ा सा आपको मतलब टेस्टलेस लगेगा, मतलब कि सादा सादा सा लगेगा, उसमें नमक नहीं, कुछ नहीं, मैरिनेशन नहीं। तो उसके लिए भी दूसरा सॉल्यूशन है, वो हम लोग करेंगे दूसरे बार, बट अभी के लिए ये तो बस एड ऑन था ना, क्योंकि मैरिनेशन बच जा रहा था, बाकी मेन काम तो मशरूम का है। तो यू शुड गिव अ ट्राई, एक बार घर पे बनाइए, काफी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अगली बार, और अभी फिलहाल मुझे जाना है मंदिर वगैरह घूमने के लिए, तो बाय बाय, टाटा, सी यू।